हे गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ कंप्लीट कोटलिन सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे, कोटलिन में स्ट्रिंग को किस तरह से यूज कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी हमारे डेटा टेक्स्ट में होते हैं उनको यूज किया जाता है। ऐसे कोई सेंटेंस है, व्हाट इफ, ऐसे लाइक दैट, जैसे कि कोटलिन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर इसको मुझे स्टोर करना हो तो मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में यूज करूँगा। और ए स्ट्रिंग कंटेंस ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। ये डेफिनेशन मैंने W3 स्कूल से लिया है। मतलब एक जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर का कलेक्शन होता है जो डबल कोट से सराउंडेड रहता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेर, और इस पर लिखते हैं हम लोग नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स लिखेंगे, और इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे ना वो एक स्ट्रिंग होगा। लाइक अगर मैंने लिख दिया कोटलिन, तो कोटलिन एक स्ट्रिंग है यहाँ पे जो कि कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। जैसे इसमें 2, 2, 4, 2, 6 कैरेक्टर्स का कलेक्शन है कोटलिन, तो ये एक स्ट्रिंग हुआ इस डेफिनेशन के हिसाब से। सो हम लोग देखेंगे यार, इसको प्रिंट करेंगे हम लोग, और इसमें वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल पास करेंगे अपना जो जिसमें हमारा स्ट्रिंग है। सो रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। सो आप आउटपुट की स्क्रीन पे देख सकते हैं यार, कोटलिन प्रिंट हुआ आया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो यार इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ मेथड्स को आप डिस्कस करेंगे। आप प्रोग्राम जब बनाएंगे और स्ट्रिंग का जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे आप यूज करेंगे। और इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं यार, जब हम लोग कोई क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, तो उसमें यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक मेथड है लेंथ, जो किसी भी स्ट्रिंग का या टेक्स्ट का साइज़ बताता है। जैसे इसके अंदर जितने लेटर्स हैं 3, 3, 6, इसमें 6 लेटर्स हैं। अगर मैं इसकी साइज़ निकालना चाहूँगा तो 6 आएगा। और इसकी साइज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग का ही वो एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो हम लोग डॉट लगाएंगे ना, तो उस क्लास के जितने भी मेथड्स होते हैं वो एक्सेसिबल हो जाते हैं हमें। तो लाइक अगर मैं लेंथ इस पर डालूँ, नेम डॉट लेंथ, यानी कि इस नेम का लेंथ क्या है, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हमें यहाँ पे कंसोल पे कोटलिन की जो लेंथ होगी यानी कि 6, वो हमें प्रिंट हुआ मिल जाएगा। इस तरह से आप आउटपुट वाली स्क्रीन पे देख सकते हो 6 आउटपुट आया है हमारा, जबकि इसमें 6 ही लेटर है, तो आंसर्स मतलब सेम आया है। इस तरह से हम लोग अगर कुछ और भी लिखेंगे तो उसका भी लेंथ निकाले। जैसे कोटलिन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसकी लेंथ हम लोग देखते हैं। अभी ये काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लंबा। ऐसे 6 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 10 and 4, 14 काफ़ी है। तो इसमें ऐसा होगा ना, वाइट स्पेस को भी ये काउंट करेगा। जैसे कोटलिन और इच के बीच एक वाइट स्पेस है, तो उसको भी ये काउंट करेगा। तो हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने लेटर्स और वाइट स्पेस हैं। तो 35 आउटपुट आ रहा है, आप आउटपुट वाली स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि इसमें लेटर्स को और वाइट स्पेस को कंबाइन करके 35 इसकी साइज है, 35 लेटर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि प्रोग्राम में हमारा कंपाइलर वाइट स्पेस को भी एक लेटर ही समझता है वो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें लेंथ की नीड पड़ती है। इस तरह से ये एक हो गया। और हम लोग एक दो और मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है लोअर केस और अपर केस। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है जो लोअर केस में है, तो उसको अगर पूरे पूरे टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करना है, तो स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है टू अपर केस और एक मेथड होता है टू लोअर केस। तो लोअर केस में अपर, लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए और अपर केस से लोअर केस में चेंज करने के लिए यूज होता है। लाइक हमारे पास यहाँ कोटलिन इज़ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें के अपर केस में है, बाकी सारे लोअर केस में है। तो हम सबसे पहले इसको अपर केस में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यार प्रिंट ln नेम नेम डॉट टू अपर केस।
अपर केस मैं इसलिए कर रहा हूँ यार क्योंकि इसमें बहुत सारे जितने एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में है, तो सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो अपर केस में है वो अपर केस में रहेगा। सो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है और कंसोल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटलिन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारे के सारे लेटर्स अपर केस में चेंज हो गए हैं। और अगर मैं अपर केस में इसको करूँ एक बार, जैसे प्रोग्रामिंग को करता हूँ अपर केस में, प्रोग्रामिंग, और मैं अपर केस को ना चला के लोअर केस वाला चलाता हूँ, मेथड प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट एलन नेम डॉट टू लोअर केस। अब इसमें के भी लोअर केस में हो जाएगा और हमारा प्रोग्रामिंग जितने अपर केस लेटर्स हैं सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटलिन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग हमारा लोअर केस में हो गया और के भी यहाँ पे लोअर केस में हो गया। तो यार ये दो इंपॉर्टेंट मेथड थे, लोअर केस और अपर केस, और आप समझ गए होंगे कि इनका क्या वर्क है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का क्या काम है यार, कि जब भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग होता है और उसमें कई सारे वर्ड होते हैं तो मुझे किसी भी एक वर्ड का इंडेक्स पता करना होता है कि वो उसकी उस वर्ड की स्टार्टिंग कौन से इंडेक्स से हो रही है। लाइक अगर हमारे पास इज है तो इज में आई की स्टार्टिंग कौन से इंडेक्स से हो रही है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 से स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि हम लोग वाइट स्पेस को भी काउंट करते हैं, कंपाइलर काउंट करता है, तो हमें भी काउंट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो अगर हम लोग इसके लाइक अगर हम लोग इज का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लाइक नेम डॉट इंडेक्स ऑफ इज। इसका जो पहला वाला लेटर है ना, उसका जो मतलब किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट अकरेंस होगा उसको ये रिटर्न करेगा। फर्स्ट अकरेंस बोले तो पहला लेटर जहाँ से स्टार्ट होता है, जो उसे इंडेक्स थे वो इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ और फिर आउटपुट पे आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपको आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पे 7 आ गया है। अभी आप किसी और को देखेंगे, जैसे 7, 8 हो गया, ये एस को लेकर के 8 हो जाएगा, वाइट स्पेस 9 एंड जी पे आएंगे तो 10 हो जाएगा। तो अभी मैं गुड को फाइंड करना चाहूँगा, गुड, और इसको रन करेंगे एक बार तो आउटपुट 10 आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे 10 आया है। तो इस तरह से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जब भी आप स्ट्रिंग पे कोई प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा यूजफुल होगा। और एक मेथड हमारे पास और है यार, इक्वल्स। इक्वल्स मेथड क्या करता है कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं या दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं स्ट्रिंग के, तो उनको मैच करेगा, उनके कंटेंट को मैच करेगा, क्या ये इक्वल है या नहीं है, लाइक, और उसके बेस पे अगर वो इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम लोग दो वेरिएबल बनाएंगे, लाइक एस एस टी आर, सॉरी वेल एस टी आर इज इक्वल टू ए बी सी, सॉरी ए बी सी, तो यार इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे वेल एस टी आर 1 इज इक्वल टू ए बी सी, एंड एक और बनाएंगे वेल एस टी आर 2 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और हम इसको कंपेयर करके देखेंगे, इक्वल मेथड चलाएंगे इन दोनों पे और देखेंगे ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो एस टी आर, सॉरी एस टी आर 1 डॉट इक्वल्स एस टी आर 2, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रिंग में ए बी सी है और एक स्ट्रिंग में एक्स वाई जेड है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। रन करके देखते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं पहले, वरना इसका भी आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पे। इस तरह से यार हमारे पास आउटपुट आ गया है, फॉल्स आया है। लेकिन अगर हम इसको सेम कर देंगे, ए बी सी इसको भी कर देंगे और फिर प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आता है, आपकी बार ट्रू आएगा क्योंकि दोनों के कंटेंट इक्वल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आया है। तो इस तरह से इक्वल मेथड को चेक कर, इक्वल मेथड को यूज़ करते हैं यार, ये हमेशा दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के काम आता है कि ये इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं। सो यार
आज की वीडियो में बस इतना ही। स्ट्रिंग के बारे में और आप लोग एक्सप्लोर करें, इसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना यार, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो।